हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फोर ट्रेड टेक्निकल क्लासेस सो इस आज की वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर का जो हमारा इसरो का एग्जाम पेपर जिसकी हमने कल आपको वीडियो दी थी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बताए थे आज भी हम उसके कुछ जो है क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस टेक्निकल हैं एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको बताया था कल भी तो अभी इसमें जो है कुछ क्वेश्चन तीन से चार क्वेश्चन मैंने आपको मैथ मैथ की भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में और ये जो आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे जो है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने काफी सारे इसरो तो के एग्जाम पेपर देखे हैं जहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप में से काफी स्टूडेंट हैं मुझसे कहा था कि सर इसरो तो के एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन कराएं तो ये सेकंड पार्ट है कल फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था इसके बाद भी हम आपको जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे और जल्दी जल्दी फ्रेंड्स आप जो है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे कि ज्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके ठीक है तो काफी बच्चे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं ट्वेंटी सेवन बच्चे आ चुके हैं और यहाँ पे सात केवल लाइक मिले हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो है आप वीडियो को लाइक करें लाइक करें सबसे पहले और फिर सबसे पहले उसके बाद फ्रेंड्स आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है ठीक है हाँ लाइक करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बस ये यह है कि हाँ आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो जल्दी से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और आज बिल्कुल राइट टाइम पर मैं आ चुका हूँ तो सबसे पहले देव प्रसाद ने मैसेज किया है हाय हेलो सभी को आ, ओके गुड आफ्टरनून हेलो ठीक है दीपक कुमार मैं ठीक हूँ आप सब कैसे हैं मैं बिल्कुल अच्छा हूँ अभी ओके तो यहाँ पर जो है वेरी गुड देखो बहुत बच्चों ने लाइक कर दिया है वीडियो बहुत अच्छी बात है चलिए अब हम अपनी क्लास को जो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बट मैंने यहां पे देखा कि शुद्ध हिंदी में बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में भी नहीं आता जब तक इंग्लिश ना पढ़े उस क्वेश्चन की ठीक है तो क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर आएगा हिंदी व इंग्लिश दोनों में है और ऑप्शन जो भी उसके होंगे आपको जो है कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे तो ये इसरो के क्वेश्चन है महिंदिर गिरी के आपको मैंने कल भी बताया था इक्कीस चार दो हजार अठारह में ये क्वेश्चन पेपर आया था ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सामने स्क्रीन पर फ्रेंड्स लगा दिया है जल्दी से क्वेश्चन को जो है पढ़े रीड करें और आंसर देंगे सबसे पहला जो बच्चा राइट आंसर देगा मैं उसका नाम भी बताऊंगा तो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ के सुनाता हूँ फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम एक लाइन ये यहाँ पर ठीक है फिर से बता दूं आपको अगर आप इनफोटेड यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमें आपको डेली जो है लाइव क्लास दे रहा हूँ ये हमारी ट्वेंटी नाइन जो है क्लास है लाइव की इससे पहले भी जो है हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ और फ्रेंड्स कल संडे है संडे में जो है हम जैसे कि मैं एक बार इसको जो है आपके कमेंट्स को यहाँ मोबाइल में ऑन कर देता हूँ ठीक है तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स संडे में जो हम अपनी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इनफोट डॉट इन पर जो है ठीक है देखिए संडे में जो है फ्रेंड्स संडे में हम एक टेस्ट लेने वाले हैं टेस्ट लेने वाले हैं डब्लू डब्लू, देखिए मैं बता रहा हूं आपको इनफो डोट इन एक लाइव टेस्ट होगा कल जैसे भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी हमने अब तक क्वेश्चंस आपको दिए हैं तो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लगा चुका था तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं काफी स्टूडेंट का आंसर आ चुके हैं मेरे पास तो यहाँ पे जो है आंसर की बात करें चलिए क्वेश्चन भी लगता है सभी ने पढ़ लिया होगा अब तक ठीक है भाई तो यहाँ पे जो है देखिए क्वेश्चंस क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष के समांतर माप में आसन जो है चूड़ी के एक चूड़ी के बिंदु से संगत बीच दूरी बीच तक दूरी है बिल्कुल हिंदी में क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे देखा कि काफी स्टूडेंट इसका आंसर दे चुके हैं तो मैं इसका अब जल्दी जल्दी हम रीड करते हैं तो राइट आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर अरमान शाह ने जो है आ, राइट आंसर दिया है यहाँ पे आ, आ, फर्स्ट का जो इन्होंने डी बताया है तो मैं आपको इसका आंसर फ्रेंड्स बता देता हूँ देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा क्वेश्चन पहला का जो फ्रेंड्स हमारा आंसर है वो हमारा डी ही राइट आंसर होगा काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर डी दिया है बट सी भी आ रहे हैं और ए भी आ रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आपको जो है जरूर समझ में आएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन पॉइंट वन थ्रेड टू ए कॉरोस्पेंडिंग जो है पॉइंट ऑन द एडजस्ट थ्रेड मेजर पैरल टू पैरल टू द एक्सिस तो क्वेश्चन को आप हिंदी से पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं समझ आ सकता है तो तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है पूछा जा रहा है कि चूड़ी की जो एक पिच से जो दूसरी पिच की जो है ना चूड़ी की क्रैश से क्रैश जो दूरी क्रैश नहीं दिया गया बिंदु दिया गया बिंदु से बिंदु की दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है पिच कहलाती है जहां पर डी ऑप्शन में दिया अंतराल यानी कि पिच इसका आंसर होगा डी इज राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं हम सामने आपकी स्क्रीन पर तो क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में से किस मशीनरी ऑपरेशंस में एक छिद्र या यास्ट के माध्यम से एक औजार को धकेला या खींचा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारे इसरो में ही आए हुए हैं देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं और इसी तरह के लैंग्वेज के क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है क्या है रूपण यानी कि शेपिंग और बी में या बिलिंग है सी में जो है खाचन है स्लोटिंग है और डी ऑप्शन में ब्रोचकरण तो यानी कि ब्रोचिंग तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताएं फ्रेंड्स दूसरे का आंसर क्या होगा तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि दूसरे का आंसर सबसे पहले और सटीक आंसर जिसने बच्चे ने दिया है उनका नाम है अरमान शाह ने आंसर सही दिया एकदम आ, इन्होंने सेकंड का डी बताया इसके बाद उमेश भी डी बता रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे जो सेकंड का सेकंड का आंसर भी फ्रेंड्स हमारा डी होगा क्यों होगा वो हम समझेंगे क्यों देखिए हर क्वेश्चंस के पीछे क्यों छुपा होता है उसका आंसर यही क्यों है तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मशीनरी ऑपरेशन में एक छिद्र से पृष्ठ के माध्यम से एक औजार को धकेलकर खींचा जाता है यानी कि जो एक हमारी ब्रोचिंग मशीनस होती है उसमें जो ब्रोचिंग टूल होता है उसका कार्य क्या होता है किसी भी अंदर किसी भी हम होल्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रोचिंग टूल से हम काफी सारी आकृति को बना सकते हैं मान लिये हमारे पास कोई होल है होल में हमें जो है इस टाइप से कुछ स्टार बनाना है या फिर हमें ऐसे चौकोर बॉक्स बनाना है होल के अंदर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम ब्रोचिंग टूल का ही इस्तेमाल करते हैं ब्रोचिंग टूल का यूज करते हैं या फिर हमें एक होल है उसके अंदर हमें एक इस टाइप से कीवे काटना है यहाँ पर तो भी हम ब्रोचिंग टूल का यूज करेंगे और भी बहुत सारे डिजाइन है हम जो ब्रोचिंग टूल से बना सकते हैं हमें जो इस टाइप से जो है कोई आकृति बनानी है तो ये ब्रोचिंग टूल यहाँ पे ब्रोचिंग टूल का कारण होगा इसके अंदर उसको धकेला जाएगा और फिर बाहर निकाला जाएगा तो वो हमारा ब्रोचिंग टूल का कार्य होता है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए चलिए तो इसका आंसर फ्रेंड्स मैंने आपको समझा दिया है डिटेल्स में इसके बाद हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन से थर्ड थर्ड क्या है सामने स्क्रीन पर आपकी चलिए को हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षण को प्रतिरोध देता है कौन सा गुण है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपघर्षण यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है उसको जो है रेजिस्टेंस जो होता है हमारा उसको जो अपघर्षण करता है तो ऑप्शन ए में है टफनेस इंग्लिश में हिंदी में पढ़ सकते हैं चीम है और हिंदी में दिया गया थोड़ा अजीब से ऑप्शन होते हैं है ना तो सी बी में तन्यता डक्टिलिटी और सी ऑप्शन आधार वर्धनता यानी कि मेलेबिलिटी इसको हम हिंदी में मेलेबिलिटी को आधार वर्धनता बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो तीसरा क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर आ चुका है तो हम जानेंगे सबसे पहले सबसे तेज जवाब किस बच्चे ने दिया है राइट आंसर ठीक है तीसरे का आंसर जो मेरे पास आया है ठीक है तीसरे का आंसर अगर हम बात करें सही आंसर की तो यहां पे दिया है अरमान शाह ने तीसरे का सही बताया है बिल्कुल इन्होंने कठोर बताया है नहीं कि हार्डनेस बताया ओके okay. और एक दो बच्चा हो रहा है उमेश तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर का पेपर है तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा या इन क्वेश्चन को रीड कर रखे हैं पहले तो वो बिल्कुल सही आंसर बताएंगे तो तीसरे तो तीसरे तीसरे का का आंसर आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या होगा मैं सबसे पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ तीसरे का आंसर होगा सी होगा क्यों होगा पहले हम क्यों जानेंगे क्यों इसका सी आंसर है यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है अवघर्षण प्रतिरोध करता है अवघर्षण मतलब जो उसको घिसने से घिसने का प्रतिरोध करता है ठीक है यहाँ पे इंग्लिश में भी फ्रेंड्स जो है पढ़ सकते हैं तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया टफनेस डक्टिलिटी हार्डनेस और मेलेबिटी ये सभी अलग अलग डेफिनेशन होती है तो हमारे हार्डनेस का गुण ऐसा ही हो ऐसा होता है कि वो किसी भी हार्डनेस जो भी, जो भी कोई हार्डनेस हार्डनेस हमारा टूल है हार्डनेस धातु है उसके द्वारा हम सॉफ्ट धातु को आसानी से काट सकते हैं तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा प्रतिरोध करता है घिसने का ठीक है इस तो इसका आंसर हमारा सी होगा राइट आंसर तीसरे का मैंने आपको बता दिया है तो जिन बच्चों ने सी बताया आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से जब यह आंसर देना है और मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चन को आप नोट भी कर ले अपनी नोटबुक में जिससे कि आपको एग्जाम में आपको हेल्प मिले ठीक है अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ है तार और केबल निर्माण की आवश्यकता धातु का गुणधर्म क्या है तार के तार और केबल तार मतलब तार भी आप जानते हैं केबल भी आप जानते हैं क्या होता है तो आप इंग्लिश में भी इसको रीड कर सकते हैं फिर से ऑप्शन वही आ चुके हैं आपके सामने क्या कह रहा है डक्टिलिटी टफनेस मेलिबिटी और यहाँ पे कह रहा है हार्डनेस चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं फोर्थ का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स आप करके बताएं और कमेंट सेक्शन में बस आप केवल ही आंसर ही बताएं मैं आपका आंसर देख रहा हूं जैसे भी है तो ठीक है फोर्थ का आंसर जल्दी से बताएं मुझे फोर्थ का आंसर क्या होगा तार और केबल निर्माण के लिए यहाँ पे जो आंसर काफी सारे मेरे पास आ चुके हैं तो मैं फ्रेंड्स अपने मोबाइल में चेक करता हूँ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है देखने में तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपने फोर्थ का जो आंसर बताऊं फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जो आंसर दिया है फोर्थ का यहाँ पर ठीक है ठीक है यहाँ पे डब्ल्यू सिंह है जिन्होंने फोर्थ का ए आंसर बताया है इनके बाद अरमान शाह ने भी राइट आंसर बताया है तो फोर्थ का आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे ए ही इसका आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तार और केबल निर्माण के लिए तो हमारा जो धातु जो भी हम जिससे हम तार बना रहे हैं तो उसमें डक्टिलिटी का गुण होता है अब यहाँ पर डक्टिलिटी ए ऑप्शन है डक्टिलिटी होती क्या है किसी भी ऐसी धातु का वह गुण धर्म जिसके द्वारा उसको खींच कर जो है तार बनाया जा सके और वो टूट नहीं पाते तो वो हमारा डक्टिलिटी गुण होता है इसलिए इसका आंसर हमारा ए होगा मैंने आपको बताया है हर वीडियो में कि सभी क्वेश्चंस के आंसर के पीछे क्यों छुपा होता है हम उस क्यू को यदि एक बार पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो यहाँ पे क्या है किया हम आने वाले टाइम में उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे बहुत बच्चे कहते हैं सर आपके बीस क्वेश्चन के हम एक घंटे की आप वीडियो बना देते हैं वो वीडियो इसलिए बनती है फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में बताता हूँ और जब तक मैं आपको डिटेल्स में ना समझाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बस मैं इसलिए आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में बताता हूँ तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज अच्छी लगती है ठीक है तो यहाँ पे जो है फोर्थ का आंसर मैं आपको बताया ए है हमारा डक्टिलिटी इसके बाद हम चलेंगे फोर्थ के बाद फाइव क्वेश्चन से चलिए फाइव क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा था ये फाइव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है चलिए फाइव क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि खालिस्तान का एक मिस्र धातु है यानी कि किस किस धातु का जो मिश्र धातु है मतलब कांसा जो का जो बोलते हैं जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं इंग्लिश में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ब्रोंज इज एन ऑफ तो ब्रोंज जो होती है हमारी धातु तो तो किसका मिश्र धातु है तो यहाँ पे ऑप्शन जो है चार आपको दिए गए हैं कॉपर जिंक दिया गया है कोपर एल्यूमिनियम दिया गया कॉपर टीन दिया गया है और डी ऑप्शन में कॉपर लेड दिया गया है तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताए फाइव का ठीक है यहाँ पे जो है आ, फाइव का आंसर मेरे पास सबसे पहले आया है ठीक है फाइव का आंसर फाइव का आंसर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर हम्म डिलीट कर रहे हैं डिलीट क्यों कर रहे हो भाई कोई दिक्कत नहीं है आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ सारे आंसर चलिए फाइव का आंसर की rach, हम बात करें तो यहाँ पे जो है अरमान शाह ने सबसे पहला आंसर दिया है राइट आंसर दिया है देखिए मैं राइट आंसर के बच्चे के बता रहा हूँ बाकी जिनको नहीं बताया वो मैं जो बता रहा हूँ उनको आप समझते चले ठीक है अरमान शाह ने सी आंसर बताया और उमेश ने भी सही चीज आंसर बताया तो फाइव का इन्होंने सी आंसर बताया है तो, बता तो यहाँ पे जो है फाइव का आंसर हमारा सी ही राइट आंसर होगा क्या होगा कोपर व टिन कोपर व टिन हमारा किसका कांसा यानी कि ब्रोंज कोपर व टिन So, हमारा सोल्डरिंग का भी फ्रेंड्स ये मिश्र है मिश्र है तो इसको आप याद रखें कोपरवर्टिन तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप का इसके बाद हम चलते हैं से, सामने पर हमने लगा दिया है, तो यहाँ पर खालिस्तान से, कोशन्स, कोशन्स क्या है, से जस्ता, जस्तेदार लोहा लेपित है हिंदी में क्वेश्चन है इंग्लिश में पढ़ेंगे को हम कोटेड किसके साथ करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जल्दी से मुझे बताएं फ्रेंड्स और क्वेश्चन जो है ना आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है बट इस हिंदी में ना बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है मैंने नोट भी किया है तो क्योंकि यहाँ पे आप सुध हिंदी में क्वेश्चन जब पढ़ते हैं इसको आप इंग्लिश में जरूर पढ़ें तो आपको जरूर समझ में आएगा क्वेश्चन चलिए ए ऑप्शन में कह रहा है निकिल जिंक और लेड तो क्या इसका आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग मुझे जल्दी से बताएं ठीक है यहाँ पे जो है आंसर मेरे पास आ चुके हैं तो हम राइट आंसर की सबसे पहले बात करेंगे राइट आंसर किस बच्चे ने दिया है ठीक है सिक्स का आंसर मेरे पास आया है जो वो आया है अविनाश अविनाश ने भी दिया है और अग्निकेत भी ने भी दिया है अच्छा ठीक है ठीक है इन्होंने जो है अंकित अंकित सॉरी अंकित यादव है फाइव का इन्होंने सी बताया है ओके और यहाँ पे अविनाश भी सी बता रहे हैं उमेश भी सी बता रहे हैं तो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आंसर सभी सी बता रहे हैं जैसे कि मैं कमेंट में आपको चेक कर रहा हूँ तो गाइस इसका जो आंसर होगा हमारा सी ही राइट आंसर होगा क्योंकि हम जो देखिए ग्लेबेनाइजिंग आयरन जो यहाँ पे क्या ना जस्ता जसदर लेपित लोहा तो यहाँ पे क्या आएगी ग्लेबेनाइजिंग जो आयरन होता है उस पर क्या आएगी हमारा वो जिंक से कोटिंग होता है तो जिंक की कोटिंग क्यों करती है जंग वगैरह से बचाने के लिए हम जो है जिंक की कोटिंग कर देते हैं ठीक तो है गाइस तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जीआई आई सीट होती है वो ग्लेबेनाइजिंग आयरन सीट होती है जीआई पाइप जो होते हैं वो ग्लेबेनाइजिंग आयरन पाइप होते हैं तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप याद रखें तो हमारा जो का आंसर है सी आंसर राइट आंसर है इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है सेवन क्वेश्चन चलिए सेवन क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है तभी जो है आंसर आपको मुझे देना है चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कह रहा है कि एनिलिंग का मुख्य उद्देश्य है मेन ऑफ इज तो क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन को आप पढ़ें कठोर में सुधार करना यांत्रिक में सुधार करना और चुंबकता में सुधार करना इंग्लिश में, में पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा आपको चलिए सिक्स क्वेश्चन है अगर आपको क्वेश्चन सही मतलब सही नहीं दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ हम केंगे ठीक है गाइस तो यहाँ पे सेवन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है तो सेवन का आंसर भी मेरे पास आ चुके हैं तो हम जो है आंसर देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किस बच्चे ने दिया है तो सेवन का आंसर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहाँ पे जो है राइट right आंसर की बात करें सिक्स का ठीक है तो यहाँ पर सेवन क्वेश्चंस का आंसर दिया है अरमान शाह ने सबसे पहला आंसर दिया है सेवन का बी और इनके बाद ये नाम है नदान जो है इन्होंने भी सेवन का बी बताया है ठीक है तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट जो है सेवन का आंसर बी बता रहे हैं सेवन का जो आंसर है हमारा बी बता रहे हैं काफी स्टूडेंट वो बिल्कुल जो है यहाँ आपको बता दूँ कि बिल्कुल सही आंसर है आपका जो भी बी बता रहे हैं बच्चे और फिर भी मेरे पास आंसर ए भी आया है बी भी आया है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे देखिए एनिलिंग क्या होता है मैं आपको समझा दू एलिंग होता है कि जब हम किसी मशीन किसी हार्ड पार्ट्स को मशीन योग्य बनाने के लिए जो उस पर तो प्रोसेस करते हैं वो हमारा एनिलिंग होता है एनलिंग की एक विधि होती है जिसमें कि हम उसको जो है अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग तीस से पचास डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं उसके बाद हम उससे जो है भट्टी में रख देते हैं और तो भट्टी में उसको ठंडा करते हैं भट्टी में उसको बंद करने के ठंडा धीरे धीरे जो करने की क्रिया होती है वो हमारा एनिलिंग की विधि होती है एनिलिंग होता है हमारा हार्ड पार्ट को मशीन योग्य बनाने के लिए ठीक है तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे Annulling क्या होता है पे आप ऑप्शन देखें कि टफनेस इंप्रूव टफनेस यानी कि उसके में सुधार लाने के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठेगा ठीक है बाकी आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर क्या रहा है ना ए ऑप्शन टू इंप्रूव हार्डनेस यानी कि वो हमारा हार्डनेस तो नहीं करता हार्डनेस तो हम हार्डनेस में करते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह हमारा क्या होगा यहाँ पे बी नहीं होगा देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया फ्रेंड्स ये सेवन का जो आंसर है हमारा टू इंप्रूव हाँ सॉरी सेवन का जो आंसर बी ही होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने सही लिखा था ठीक है सी ऑप्शन बी में क्या रहा है कि टू इंप्रूव ऑप्शनिटी तो मशीनबिलिटी में सुधार लाने के लिए एलिनिंग करते हैं ठीक है गाइस तो इंप्रूव टफनेस टफनेस हमारी कहां होती है टफनेस और यदि हम बात करें ब्रिटलनेस को कम करना वह होता है टेम्परिंग टफनेस और ब्रिटलनेस को कम करने की विधि होती है हमारी टेम्परिंग तो इसको सारे को याद रखेंगे तो आपको जरूर क्वेश्चन याद रहेगा सेवन का आंसर हमारा बी होगा चलिए गाइस इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन तो एट क्वेश्चन भी हम लगा देते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर तो एट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे आप देखेंगे ये आ आ गया चलिए क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर चुका है है कह रहा कि अलग व्यास के दो पाइपों को एक साथ अलग व्यास के दो पाइपों को साथ में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है अलग व्यास के व्यास का जो पाइप होगा जिनका डाया अलग अलग होगा तो ऑप्शंस में दिया गया कपलिंग दिया गया कैप दिया गया टी दिया गया रिड्यूसर दिया गया है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बता देता हूँ आपको जिन बच्चों को नहीं पता माना फ्रेंड्स हमारे पास दो पाइप है अगर आपको यहाँ से चमक रहा हूं तो ये हमारा कोई दो पाइप है एक पाइप का जो हमारा डाया है वो ट्वेंटी mm का है और यहाँ पे हम जो दूसरे जो पाइप इसमें जोड़ना चाह रहे हैं वो कौन से जोड़ना चाह रहे हैं मैं आपको यहाँ से थोड़ा बता देता हूँ वो हम जो है फिफ्टीन एम mm का पाइप जो है जोड़ना चाह रहे हैं मतलब हालांकि जो हमारा इंच में पाइप होते हैं ये भी आप याद रखें हमारा जो पाइप का साइज होता है वो इंच में लिया जाता है तो मैं यहाँ पर इंच लिख देता हूँ ट्वेंटी इंच का है एक हमारा डाया है फिफ्टीन इंच का ठीक है ज्यादा होगा लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है तो अभी यहाँ पे क्या है कि इनके जोड़ने के लिए क्या इसका यूज करेंगे देखिए यहाँ बड़ा डाया है यहाँ छोटा डाया है ठीक है ये हमारा बड़ा डाया है ये छोटा डाया है तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं आंसर देखता हूँ कि किन किन बच्चों को इसका आंसर पता है तो एट का आंसर तो काफी स्टूडेंट दे चुके हैं तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो आंसर आया है ओके ठीक है यहाँ पे आंसर की बात करें सबसे राइट आंसर ठीक है वेरी गुड है अरमान शाह ने आंसर सबसे पहले आंसर दिया एट का इन्होंने डी बताया है और एक अलग बच्चा और उमेश भी डी बता रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है तो यहाँ पे देखिए ए बी सी सारे आंसर आपने दे दिए हैं बिल्कुल गलत है जो भी वो अच्छा गलत बता रहा है तो देखिए क्या इसका आंसर होगा समझे इस क्वेश्चन को पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा फिर इसका आंसर बताऊंगा हमारे मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास ट्वेंटी एम mm का जो है ट्वेंटी इंच का पाइप है उसका डाया है एक हमारे पास फिफ्टीन इंच का डाया है अब हमें इसको दोनों को जोड़ना है क्या वो जुड़ जाएंगे नहीं जोड़ेंगे हमें जोड़ने के लिए क्या करना होगा हमें एक इसमें अलग से जो है ना एक रिड्यूसर लगाना पड़ेगा रिड्यूसर क्या होता है एक इस टाइप का हमारा जो है रिड्यूसर होगा ठीक है ये हमारा जो है रिड्यूसर होगा ऐसे होगा तो वो जो है हमारा यहाँ पे इसके अंदर थ्रेड कटी होगी और इसके अंदर यहाँ तो इन दोनों पे थ्रेड काट के उसको तो चढ़ा देंगे यानी कि फिर अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रिड्यूसर जो होता है वो ऐसा होता है ठीक है वो हमारा रिड्यूसर कैसा होता है ऐसे होता है आपके घर में लग रहा हो शायद नहीं लग रहा हो मेरे घर में फ्रेंड्स लग रहा है इस टाइप से हमारा जो एक रिड्यूसर होता है तो इसमें यहाँ पे जो इंटरनल थ्रेड कटी होगी इसके अंदर भी और यहाँ पे भी थ्रेड कटी होगी तो यहाँ पे हमारा बड़ा पाइप लग जाएगा और यहाँ लग जाए छोटा पाइप तो ये होता है हमारा प्रेशर को जो है हाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं बाकी हम जो है क्या करने के लिए बड़े पाइप को बड़े व्यास के पाइप को छोटे व्यास से जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर का यूज करते हैं डी इसका राइट आंसर होगा ठीक है गाइस तो मैंने आपको समझा दिया है कैसे इसको करना है ठीक है गाइस तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन से एट के बाद चलेंगे नाइन क्वेश्चन चलिए नाइन क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नाइन क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं कह कैरा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग आमतौर पर जीआई पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है ऐसी तो कौन सी विधि है पाइप 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 मैंने आपको बताया, GI कौन से होते होते हैं? हैं, जो ऐसी होती होती है, होती है।, GI होती है, होती है। तो यूज करेंगे? आप आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना तो। <coughs> चलिए, <coughs> सॉरी, हमारा तो नाइन क्वेश्चन पर आ चुका है तो तो नाइन का मेरे पास आंसर आ चुका है नाइन का आंसर यदि हम बात करें तो सबसे पहले आंसर दिया है नाइन का नाएन का आंसर दिया है यहाँ पर बी अच्छा डाई स्ट्रोक दिया है ओके तो बी बताया है नरेंद्र यहाँ पे जो है नाइन का आंसर नन, नंदन ने जो है नंदन ने बी बताया है अनुमान शाह भी बता रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आंसर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है एट का आंसर मैंने आपको बता दिया था एट का जो आंसर था डी था तो यहाँ पे हम नाइन का आंसर बता देते हैं नाइन का आंसर क्या है यहां पर ऑप्शन देखे डी बी, बी हमारा यानी कि डाई स्टोक किसका हम यूज करेंगे डाई स्टोक का यूज करेंगे ठीक है डाई स्टोक का हम यूज करते हैं जी आई पाइप पे थ्रेड काटेंगे आपके देखा भी होगा डाई स्टोक के द्वारा हम डाई काटते हैं डाई स्टोक मतलब स्टोक के अंदर डाई का लगा डाई डाई लगाते हैं से हम पाइप पे थ्रेड काट सकते हैं तो हमारा नाइन का आंसर बी होगा चलिए इसके बाद हम चलते हैं दसवें क्वेश्चन पे सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा चलिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से आप पढ़ें

तो क्या इसका जल्दी से मुझे का आंसर क्या होगा जल्दी से देखते हैं ठीक दस का का है तो तो दसवे का आंसर हु, दस जो है नंदन ने जो है सबसे पहले दिया है दसवे का डब्ल्यू ने भी बताया है उमेश भी ए बता रहे हैं ओके तो काफी स्टूडेंट इसका आंसर ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं क्योंकि इसका आंसर ए ही होगा होगा ये हम ये जानेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जलापूर्ति को प्रभाव की एक, लाइन, कि मैं फिर से हिंदी एक ही दिशा में प्रभाव करता है कि वो वापस नहीं भेजता। तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा वाल होता है तो नॉन रिटर्न वाल क्या करता है एक ही दिशा में पानी प्रभाव को देता है इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्योंकि यहाँ पे कह रहा है की जो है अलाउ फॉलो इन वाटर सप्लाई ऑफ जो है डिग्रीन लाइन तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स दसवे का ए होगा

उस टंकी का पानी जा सकता है तो उसको बचाने के लिए क्या है कि जब यहां से वापस पानी जाएगा तो 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 ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है 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 इसी को बोलते हैं हम रिटर्न से से क्या है कि इसमें बाहर पानी पानी आ सकता है, लेकिन हमारी जो टंकी में भर गया है, वो हमारा वापस सप्लाई लाइन में ना जाए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि हमारा घर का पानी सारा वापस चला जाएगा तो इसलिए यहाँ पर नो रिटर्न वाल का हम अपने घर के बाहर जो है मेन टंकी जो हमारी लाइन आती है वहां पर हम यूज करते हैं इसका तो इससे क्या है कि पानी एक ही तरफ जाता है वापिस नहीं मतलब एक तरफ से आता है लेकिन वापिस नहीं जाता तो इसलिए इसका आंसर ये होगा और आपको समझना होगा क्वेश्चन कैसा होता है ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसके बाद हम चलेंगे ग्यारह क्वेश्चन से चलिए ग्यारह क्वेश्चन सामने आपके स्किन पर आ चुका है क्वेश्चन क्या है खालिस्तान के लिए सामान्यतः अंतर परिवर्तनता लागू होता है तो इंग्लिश में पड़े क्वेश्चन को जब भी समझ में आएगा आपको फिर मैं आपको इसके ऑप्शन बताता हूँ ऑप्शन क्या है कि पुर्जी, पुर्जी की मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग ऑफ पार्ट सरल खंड उत्पादन और पूंजी उत्पादन उपरोग सभी यानी कि ऑल ऑफ अबाउ तो क्या इसका आंसर होगा ग्यारहवा क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ठीक ठीक है 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 मैं का आंसर देख लेता क्या आंसर दिया है? <coughs> का आंसर जो आया आया मेरे पास वो सी शाह उमेश राकेश और अविनाश अक्षय नंदन राम रामा आ, ये सभी आंसर जो है सी आंसर बता रहे हैं इसका ग्यारहवे का सी आंसर है तो मेरे हिसाब से ग्यारह का सी आंसर है क्यों सी है आंसर यहाँ पे कह रहा है, मास क्या किसका यूज करेंगे हम इंग्लिश में पढ़े आप इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाई फॉर इंटरचेंजबिलिटी का हम यूज क्या करते हैं मास प्रोडक्शन में मतलब कि, कि क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजबिलिटी मशीन का वह पार्ट्स होता है जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं वो हमें वो मार्केट में मिल जाता है ठीक है तो वो हमारी इंटरचेंजबिलिटी के अंतर आता है तो वहां पर हम यूज करते हैं उस मशीन या उसको प्रॉपर हमारा को प्रोडक्ट होता है उसमें हम यूज करते हैं इंटरचेंजिलिटी जिसको आसानी से बदला जा सके सिंपल लैंग्वेज में तो इसका आंसर हमारा सी होगा मास प्रोडक्शन में चलिए ग्यारहवें बाद चलते हैं बारहवें क्वेश्चन पर बारहवें क्वेश्चन सामने किस पर आ चुका है क्वेश्चन क्या है खालिस्तान के लिए सामान्यतः अंतर परिवर्तनता लागू होती है किसके लिए अंतर जो है परिवर्तनता यानी कि इंटरचे इज नॉर्मली अपलाईड तो ग्यारह क्वेश्चन तो हो गया था तो इसके बाद हम बारहवेंस भी हमारा ये ये सेम ही आ गया फ्रेंड्स ग्यारहवा और ये बारहवा और ये हमारा सॉरी फ्रेंड्स अभी जो है ना ग्यारहवे पे बारहवा चढ़ गया है तो ठीक है बारहवें क्वेश्चन पे फ्रेंड्स ये गलती से ग्यारहवा ही लग गया है तो बारह क्वेश्चन नहीं है मैं आपको थोड़ी लास्ट में दिखाऊंगा थर्टीन क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं थर्टीन क्वेश्चन क्या है

को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स ठीक है तो बारह का आंसर मेरे पास आ चुका है का 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 आंसर आंसर मेरे पास आ चुका है 13, 13 का है सबसे पहला आंसर दिया है यहां पे उमेश ने सबसे पहला आंसर दिया है थर्टीन का सी ठीक है अक्षय भी सी बता रहे हैं तो थर्टीन का हमारा जो बारह क्वेश्चन हो गया ना थर्ड बारह नहीं हुआ बारह में भी आपको दिखाऊंगा थर्टीन क्वेश्चन क्या है हमारा सी इसका आंसर है देखिए यहाँ पे क्या ना बारह तेरहवा जो क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ इसका आंसर सी है क्यों है हम समझ लेते हैं देखिए यहाँ पे क्या ना ना कि जब मूल बीमा जो है सैष्णुता जो है दी जाती है तो उसे कहते हैं एक ही तरफ यानी कि भूजा के एक ही तरफ हमारा क्या होता है वो यून लेटर होता है जबकि दोनों तरफ दी जाए तो वो बाई लेटर होता है तो इसका आंसर हमारा सी होगा मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ उस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा थर्टीन के बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स बारहवा क्वेश्चन देखकर आपके सामने स्क्रीन पर साइड आ चुका है ठीक है

हाँ बारहवे का आंसर मेरे पास आया है अरमान शाह ने दिया है आंसर बारहवे का बी अच्छा वास्तविक ठीक है ठीक है राकेश बी बता रहे हैं ओके तो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आंसर बी बता रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा बारहवे का हमारा बी ही राइट आंसर होगा ठीक है तो बी राइट आंसर होगा क्या होगा हमारा एक्चुअल साइज जो हमारा वास्तविक साइज होता है उसे ही हम जो है एक्चुअल साइज बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हम बारहवे का आंसर हमारा क्या हुआ बी राइट आंसर हुआ चलिए बारह के बाद थर्टीन हो चुका था अब हम चलते हैं सीधा फोर्टीन पे चलिए फोर्टीन क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तो फोर्टीन क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा नट का उपयोग वाइस हेतु किया जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हिंदी में है ना अब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा मैं आपको लास्ट बताऊंगा तो थर्टीन के बाद फोर्टीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है थम नट नट विंग नट और यहाँ पे दिया है चक नट तो देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा आंसर सबसे सटीक आंसर सबसे पहले कौन देगा फोर्टी क्वेश्चन का सभी बच्चों को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को आज ही करें फोर्टीन का आंसर मेरे पास आ चुका है बहुत ही गलत बात है ये यह। देखिए यहाँ पर आंसर दो टाइप का आंसर आ चुके हैं डी और सी भी आ गए हैं तो फोर्टीन का जो गाइज आंसर होगा देखिए यहाँ पर जो है ना पंख नट यानी कि विंग सी इसका आंसर होगा क्यों होगा वो हम जानेंगे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नट उपयोग जो है आ, hand -wise. Hand -wise में कौन और होता है? विंग होता है। यूज होता है? हमें किसी भी चीज को जल्दी से खोलना हो, जल्दी से टाइट करना तो वहां पे हम नट का यूज करते हैं नट कैसा होता है नट फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको डिजाइन बता दू इस टाइप से हमारा जो है नट होता है नहीं बनेगा वो पंखा की टाइप का होता है इस टाइप का तो यहाँ पे हमारा जो ना नट बोल्ट कसने के लिए होता है वो तो इसको हम जल्दी से खोल के कर सकते हैं तो ये विंग नट होता है जिसको नहीं पता वो याद रखे इस क्वेश्चन को चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसके बाद हम चलते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन पर आ चुका है कह रहा है कि स्प्रिंग इस को इस्तेमाल नट के अंदर से रोकने के लिए किया जाता है स्प्रिंग वाशर का हम यूज क्यों करते हैं क्या करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग वाशर जिसमें स्प्रिंग में लगी होती है ऑप्शन को पढ़ेंगे आप ध्यान से जब भी आपको समझ आएगा बोल्ट को नुकसान नट को नुकसान कृत्यक को नुकसान और कंपन के कारण नट को ढीलापन तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से फ्रेंड्स मुझे आप बताएं फिफ्टीन का आंसर बताएं कि फिफ्टीन का आंसर क्या होगा चलिए यहां पे जो है फिफ्टीन का आंसर मेरे पास आ चुका है फिफ्टीन का आंसर जो बच्चे ने दिया है सबसे पहला राइट आंसर तो यहां पे राइट आंसर की बात करें तो यहां पे फिर से अरमान शाही सबसे पहला आंसर दे रहे हैं इन्होंने फिफ्टीन का डी आंसर बताया है और नंदन भी डी बता रहे हैं अच्छा यहाँ पे जो है राकेश भी डी बता रहे हैं अविनाश भी डी बता रहे हैं उमेश यहाँ पे डी बता रहे हैं अक्षर डी बता रहे हैं लो जी मैंने काफी बच्चों के नाम ले टेक्निकल गुरु भी डी बता रहे हैं ओके दीपक कुमार डी दी बता रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट सारे जो है बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं क्यों है डी हम ये आपको बता देते हैं देखिए स्प्रिंग वाला सर जो होता है हमारा वो नट देखिए इंग्लिश में हिंदी में पढ़ेंगे ना लिखा ऑप्शन में कंपन के कारण नट को ढीलापन तो यहाँ पे हमारा किसी भी पार्ट में मशीन के ऐसे जगह जहां कंपन बार बार हो रहा है कुछ इस टाइप से जो है कुछ भी ढीला होने की संभावना है तो वहां पे हम क्या है कि स्प्रिंग जो है वार्सल लगा देते हैं जिससे कि वो उसके झटके को सहन कर सके और वो ढीला ना हो खुले ना ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन फिफ्टी क्लियर हुए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है सिक्सटीन क्वेश्चन पे चलिए सिक्सटीन क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है आपके सामने स्क्रीन पर है ए लगा दिया चलिए सिक्सटीन क्वेश्चन भी आ गया है ट्वेंटी क्वेश्चन चलेंगे उसके बाद मैथ क्वेश्चन होंगे तो सिक्सटीन क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के गियर में घूण अक्ष के समांतर दांते को काटा जाता है ऑप्शन में ठीक है। से पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा मैं एक में पढ़ता हूं। एक, मैं इतने, दोनों लैंग्वेज पढ़ूंगा तो मैं बिल्कुल मैं थक जाऊंगा फ्रेंड्स इसलिए मैं जो ना एक लैंग्वेज पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी तो यहां पे सिक्सटीन का आंसर मेरे पास आ चुका है सिक्सटीन का आंसर यहां पर आया है मेरे पास सबसे पहले बात करें राइट आंसर की तो यहाँ पर राइट right आंसर की हम बात करेंगे 16 की हम्म राकेश 16, 16, 16. राकेश जो है बहरा, राकेश बहरा है, जो है 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 इन्होंने का बी बी बताया रुपेश भी बता रहे हैं उमेश भी बता रहे हैं राम जो है सी बता रहे हैं अरमान शाह भी बी बता रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसका आंसर सिक्सटीन का क्या होगा वह हमारा बी राइट आंसर होगा क्यों होगा वो हम जानेंगे किस प्रकार के घेर में घुण अक्ष के समांतर दांते कटे होते हैं तो यानी कि अक्ष के समांतर जो दांते कटे होते क्वेश्चन अगर मैं आपको दूसरी लैंग्वेज बताऊं तो किस गियर के दाते जो है अक्ष के समांतर कटे होते हैं तो वह हमारा कौन सा होता है स्पर गियर होता है और यहाँ पे हमारा आंसर होगा इसका स्पर इस गियर जबकि हेलिकल गियर में धूरी में अक्ष पे किसी कोण को निश्चित कोण पर कटे होते हैं ठीक है तो इसको आप याद रखें मैं आपको किसी वीडियो में समझाऊंगा कि गियर के क्वेश्चन कैसे है जो हम याद कर सकते हैं सारे ठीक है सिक्सटी का फिलहाल के लिए बी होगा इसके बाद हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन चलिए सेवनटीन क्वेश्चन भी आ चुका है सेवन क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो मुझे ऊपर से हटानी पड़ेगी ये वाली और ये वाली चलिए 17 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसको आप थोड़ा तसल्ली पूर्वक पढ़े ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन में आपको पढ़कर बताता हूं कराजिक और स्थाईक उत्पादन की आ, की युक्तियां हैं जो अनुलिप अवयव को यथार्थ से निर्माण निर्मित करता है जिग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो यहां पर कुल मिलाकर यह कहना चाह रहा है हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है तो कुल मिलाकर क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है कि भाई जिग का क्या संबंध है यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिग किस लिए यूज होता है ऑप्शन में है कि यह औजार को धारण रखता है और ऑप्शन बी है यह औजार को कृतक को स्थित रखता है इंग्लिश में पढ़ें आप यह कृत्यक को धारण करता है और डी ऑप्शन है यह ओजार को निर्देश करता है तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से गाइस मुझे कमेंट में बताए अच्छा सेवनटीन का तो आंसर आ चुका है भाई बहुत बच्चों ने दे दिया आंसर अच्छा जी यहाँ पे अगर हम बात करें सेवनटीन का उमेश ने आंसर दिया है सेवनटीन का इन्होंने बताया बताया है है कि ए इसका आंसर दीपक कुमार भी ए बता रहे हैं और दीपक कुमार डी दी बता रहे हैं सॉरी ओके रूपेश ए बता रहे हैं ठीक है अरमान शाह भी यहाँ पे जो है अरमान शाह ठीक है यहाँ पे ए आंसर मेरे पास आया है राइट आंसर तो जिन बच्चों ने बताया है वो मैंने बता दिया है और भी बच्चे सब देखिए ए मुझे काफी सारे आंसर आ रहे हैं बहुत ऐसा नहीं है कि मैं जिनका नाम दे रहा हूँ वही आंसर सही बता रहे हैं और भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि सही आंसर बता रहे हैं तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा आज को कमेंट जो में वीडियो लॉन्ग हो जाती है काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर आप वीडियो लॉन्ग बना लेते हैं इसलिए मैं कमेंट एक दो ही पढ़ रहा हूँ सेवेंटीन का आंसर हमारा ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन को यहाँ समझने वाली बात है कि ये जो हमारा जिक होता है वो हमारा क्या होता है टू इज जो है इट्स होल्ड टू टूल्स जो, यहाँ पर जो ना इसको धारण करने के लिए होता है तो जीगन फिक्चर के लिए मैंने वीडियो बनाई थी उसको आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चलिए सेवनटीन के बाद हम चलते हैं पे है ये ये रहा, 18 सामने चलिए भी आ चुका आपके सामने एटीन क्वेश्चन क्या है कि शेफ्ट का हिस्सा शेफ्ट का हिस्सा जो बियरिंग में ले जाया जाता है वो कहते हैं क्या कहते हैं आ, यहाँ पे केज दिया गया है इनर रेस दिया गया आउटर रेस दिया गया और यहाँ पे जनरल भी ऑप्शन में दिया गया है क्या इसका आंसर होगा इस मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर में होगा क्या चलिए एटीन का आंसर मेरे पास आ चुका है एटीन का आंसर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आंसर आ रही है मेरे पास बहुत ही अच्छी बात है आपको सभी को पता है एटीन का आंसर तो मैंने एटीन का आंसर देखा यहाँ पर भाई गलत भी आ रहे हैं ये तो गलत बात है राकेश कुमार राकेश बेहरा डी आंसर रूपेश डी आंसर बहुत ही अच्छी बात है तो यहाँ पर आपने डी आंसर बताया है एटीन का तो एटीन का आंसर डी जिन बच्चों ने बताया है जो बता रहे हैं जो कमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं डी वो बिल्कुल सही है डी यानी कि जर्नल होगा तो शाफ्ट का जो हिस्सा यानी कि बैरिंग में जो क्वेश्चन ये आता है कि बैरिंग का वह पार्ट जो शाफ्ट में जो है लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारा वो, वो जर्नल कहलाता है सिंपल क्वेश्चन था कई बार एग्जाम में आया हुआ है ठीक है सो ये क्वेश्चन याद रखें आप इसके बाद हम चलते हैं एटीन के बाद नाइनटीन क्वेश्चन पे चलिए नाइनटीन क्वेश्चन भी आपको लगा देते हैं सामने चलिए नाइनटीन क्वेश्चन है कि आपको एल्यूमिनियम पर चूड़ी काटना है अच्छा निम्नलिखित में से किस शीतक द्रव का आप उपयोग करेंगे तो मतलब आपको काटनी है या मुझे काटनी है तो मैं किस द्रव्य का यूज करूँगा एल्मोनियम पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ आपको कि लार्ड ऑयल कैरोसिन और यहाँ पे सोलबल ऑयल यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल तो क्या इसका आंसर होगा इस मुझे आप जल्दी से कमेंट में बताए आंसर जो है इसका सभी को पता होना चाहिए क्योंकि मैं आपको पहले की वीडियो में इस क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ ठीक है इस यहाँ पे नाइनटीन का जो आंसर मेरे पास आया है वो सबसे पहले और सबसे सटीक जो आंसर आया है नाइनटीन का तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि नाइनटीन का आंसर जो है यहाँ पे नंदन ने दिया है बता रहे हैं है, अमित भी बता रहे है, उमेश भी बता रहे हैं अविनाश भी बता रहे हैं देखिए जो बच्चा बी बता रहा है इसका आंसर नाइनटीन का वो बिल्कुल जो है यहाँ पे बी ऑप्शन में कैरोसिन ऑयल है तो हमारा आंसर बी राइट आंसर होगा क्योंकि हम मिट्टी का तेल पर कोई काम हम कर रहे हैं थ्रेड या थ्रेड काट रहे हो ड्रिलिंग यानी कि चूड़ी काट रहे हो तो का यूज करना होगा ट्वेंटी तो क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ जोड़ने के तरीके को परिणाम मूल धातु के संगल में होता है समय से बाहर हो गया हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा चलिए ऑप्शंस में रिविटिंग एब्रेसिव एब्रेसिव बॉन्डिंग सोल्डरिंग या वेल्डिंग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे गाइस तो आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आएंगे मैंने आपको बताया टेक्निकल क्वेश्चन जितने भी शुद्ध हिंदी में आते हैं अगर आप उनको इंग्लिश में पढ़ लेंगे एक बार तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आप सभी बच्चे जानते होंगे जिनको नहीं आती है चलिए ट्वेंटी क्वेश्चन हमारे नाइनटीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो ट्वेंटी क्वेश्चन का मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है सबसे पहला और सबसे सटीक आंसर यहाँ पे हम ट्वेंटी का देख लें हम्म 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 अच्छा राकेश ने सबसे पहला आंसर दिया है राकेश देहरा ट्वेंटी का डी बता रहे हैं उमेश भी डी बता रहे हैं नंदन डी परमान जो है डी ठीक है तो काफी स्टूडेंट इसका आंसर जो है डी बता रहे हैं जो भी ट्वेंटी का आंसर डी बता रहा बिल्कुल राइट आंसर है तो इसका आंसर क्या है ट्वेंटी का डी आंसर है वेल्डिंग होगा इसका आंसर ठीक है तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस कल भी मैंने आपको 25 के करीब 30 के करीब क्वेश्चंस बताए थे इसरो के तो ये क्वेश्चंस हमारे जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो 20 क्वेश्चंस जो कि इसरो के एग्जाम में आए हुए थे महेंद्रगिरी में 21 चार 2018 में ठीक है गाइस

एक बिंदु से उसी व्रत पर कुल खालिस्तान स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्वेश्चन को समझने की बात है क्वेश्चन आपको ये एक व्रत है हमारे पास तो इस व्रत के यहाँ पे कहना उत पर कुल बाहर एक बिंदु है मतलब मैंने यहां एक बिंदी लगा दी है वाली अगर आपको दिख रही हो ये एक बिंदी है ठीक है एक बिंदी है तो यहाँ पे कुल कितनी रेखा इससे इस खींची जा सकती है ऑप्शन दिया गया है थ्री, एक, दो, कोई नहीं तो यहाँ पे मैं देख लू की आंसर हाँ इस क्वेश्चन को आप इक्कीस ट्वेंटी 21 ठीक है मैंने नंबर लिखा वहां पे सी इन्होंने बताया है टू अच्छा नन अच्छा तो जो बच्चा आंसर इसका यहाँ पर जो है उमेश बता रहे हैं सी आंसर तो दो ही इसका आंसर होगा यानी कि टू रेखा खींची जा सकती है हम इसको समझेंगे एक 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 है हमारा बाहर तो इस पर से हम इस बिंदु से रेखा खींचे ये हमारी रेखा खींची यहाँ पर ये आ गई तो यहाँ पे एक टच हो ये वाली रेखा नीचे और एक हमारी टच होगी यहाँ पर तो स्पर्श करती हुई केवल दो ही रेखा खींच सकते हैं हम इस व्रत से ठीक है इस व्रत पे हम दो ही रेखा खींच सकते हैं तो इसका आंसर दो होगा बहुत सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन था सोचने समझने वाला क्वेश्चन था अगर मैं यहाँ पर ना लगाकर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ना लगाकर इस चीज को मैं कहीं पे भी लगाऊं मैं जरूरी मैं यहां लगाऊं मैं यहां भी लगा दू इस बिंदु को तो यहां से भी मैं ऐसे ही खींचूंगा देखिए यहाँ पे खींचे की लाइन एक ए लाइन जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए वहाँ कहीं पर बिंदु लगा दो दो ही रेखा से खींच जाता नहीं खींच पाएंगे आप इसमें ठीक है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा ट्वेंटी वन का आंसर हमारा क्या होगा दो यानी कि सी इसका आंसर होगा सी में क्या रहा है टू ठीक है मैंने ए ऑप्शन नहीं दिया टू होगा ठीक है तो क्या होगा टू आंसर होगा ऑप्शन में ए बी सी टी लिखना भूल गए कोई नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आई टी लेवल पर और बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बहुत हार्ड है आप नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप जरूर क्वेश्चंस कर पाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है हम उस क्वेश्चंस को ले लेते हैं कह रहा है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट और अगले 30 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो औसत चाल क्या है ठीक है तो यहाँ पे औसत का फॉर्मूला भी हम लगाएंगे लास्ट में बट यहां पे फ्रेंड्स हमें जो है क्या क्या दिया गया है हम जो है वो देखेंगे कमेंट आपको मैं देख लेता हूं क्या इसका आंसर दे रहे हैं आप ये ट्वेंटी टू क्वेश्चन है ट्वेंटी टू को आप मान के जो इसका आंसर दें ये ट्वेंटी टू क्वेश्चन है ट्वेंटी टू मानकर आप इसका आंसर जैसे ट्वेंटी टू का सी यहां पर दिया है बच्चे ने कि इनके हिसाब से है पचपन किसने बताया सी वर्मा ने सी बताया अमित मौर्य सी बता रहे हैं नीले सी बता रहे हैं ओके तो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सी इसका आंसर बता रहे हैं बहुत ही सही आंसर है आपका सही राइट आंसर है सी इसका आंसर होगा तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा देखिए इसमें जो क्या क्या दिया गया है हमारा जो क्वेश्चंस में समय और चाल दी गई है समय और चाल दी गई क्या क्या दी गई है भाई यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीस मिनट में वो कितना जा रहा है फ्रेंड्स वह हमारा जा रहा है पचास पचास किलोमीटर ठीक है तीस मिनट पचास जा रहा है और फिर अगली मिनट कह रहा है अगली लाइन तो अगले तीस मिनट में वो जा रहा है साठ किलोमीटर कैसे करेंगे अब हम हम जो है ना इसका टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितना जा रहा है अभी यहां पर क्वेश्चन से पूछना है औसत चाल क्या है औसत चाल के लिए हमारा देखिए यहां पर औसत चाल सॉरी औसत चाल औसत चाल हम निकालेंगे तो चालों का मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया था कि चाल का मतलब होता है हमारी जो कुल जो संख्या दे रखी है उनका योग बटे संख्या तो हमारी जो कुल संख्या कितनी दे रखी है जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है पचास और साठ कितनी होगी फ्रेंड्स यहाँ पे एक सौ दस तो कुल हमारे पास कितनी आ गई कितनी आ गई एक सौ दस आ गई बटे में हम क्या कर देंगे कितनी चाल है दो चाल है दो से हम इसे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर पचपन आ जाएगा

यदि प्रत्येक बुझाओं में बीस प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो आयताकार के क्षेत्रफल में खालिस्तान प्रतिशत वृद्धि होगी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह कई बार एग्जाम आया हुआ है जैसे कि आपका डीएमआरसी है और आपके ओर्डन फैक्ट्री का एग्जाम है रेलवे का एग्जाम है वहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों टाइप के हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो जल्दी से समझकर आपका आंसर बताए कि ट्वेंटी का आंसर क्या होगा ये ट्वेंटी थ्री एफ क्वेश्चन मानने चले ट्वेंटी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझूंगा ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन है ठीक है यहां पर ट्वेंटी थ्री का बी आंसर आया राकेश इन्होंने दिया है बी आंसर हाँ क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं रख पाया क्योंकि थोड़ा स्पेस ऊपर कम था कोई बात नहीं पेपर मैं आपको दे दूंगा इसका तो यहां पे फिर से मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन हम अगर हम बात करें क्वेश्चन में यहां हम आपको बता देते हैं ये एक आयत है ठीक है इसकी जो भुजा यानी कि दोनों का ना प्रत्येक भुजा इसकी ये वाली भुजा यानी कि जो इसकी चौड़ाई है इसको बढ़ा दें और इसकी ऊंचाई को बढ़ा दें बीस बीस परसेंट बीस बीस परसेंट तो इस एक छोटे से फॉर्मूले से बताऊंगा तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी तो इसका जो क्षेत्रफल बन जाएगा नया उसमें कितनी वृद्धि यानी कि ये वाला और ये वाला कितना एक्स्ट्रा हुआ इस वाले से ठीक है तो हम इसको ऐसे तरीके से नहीं करेंगे हम इसको छोटे तरीके से करेंगे एक मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे ये यह आपके सभी एग्जाम में काम आएगा इसको आप जो है फ्रेंड्स लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन वेड तो अब हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें फ्रेंड्स अब एक्स का हम क्या निकालेंगे X मतलब इसकी लंबाई में भी बीस कह रहा है एक्स का होगा बीस और उसकी चौड़ाई में बीस कह रहा है तो वो हमने कर दिया बीस दोनों को हम बीस बीस लेंगे यदि एग्जाम में दोनों अलग अलग दे दें कह दे कि भाई यहाँ पे यहाँ पे कह दे कि देसेंट जो है आ, उसकी लंबाई में लेंथ में वृद्धि कर रहा है और पच्चीस परसेंट जो है उसकी व्रथ में आ, वो कर रहा है वृद्धि कर रहा है तो लंबाई और व्रथ में अगर अलग अलग कर रहा हो तो आपको फिर यहाँ पे बीस रखना है फिर यहाँ पच्चीस रखना है ठीक है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया अब हम करते हैं इसको आगे तो यहां पे हम करेंगे ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी अपोन में हंड्रेड अब हम क्या करेंगे इस जीरो चालीस प्लस दो दूनी चार तो कितना आ जाएगा चौवालीस परसेंट तो आयत के क्षेत्रों में कितनी वृद्धि होगी फोर्टी फोर परसेंट इसके आयत में वृद्धि होगी एक शॉर्ट ट्रिक है इसी ट्रिक से ये मैंने आपको बताइए कि मैं भी इसी तरीके से क्वेश्चन को करता था पहले जब मैंने एग्जाम दिए हैं क्योंकि तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता था तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं यदि वो इसमें अगर हम यहाँ पे कह दे कि ये तो आयत कह रहा है वर्ग कह दे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ग का भी आ सकता है तो वर्ग में कह रहा है कि उसकी लंबाई में और चौड़ाई में एक साथ वृद्धि होगी क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है हमारी वर्ग की ठीक है तो यहाँ पे जो इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर वो अलग अलग कह दे कि भाई उसकी लंबाई में बीस दे रहा है और चौड़ाई में जो है तीस दे रहा है तो हम यहाँ पे डिजिट को चेंज करेंगे बस ठीक है और यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए बता देता हूं अगर वो कह दे फ्रेंड्स वृद्धि कह दे कि बीस परसेंट है और यहाँ पे कह दे कि भाई उसकी जो हमारी लंबाई है उसमें बीस परसेंट वृद्धि कर दी और उसकी जो चौड़ाई है बीस परसेंट कमी कर दी तो आपको फिर यहाँ पे जो है माइनस लगाना होता है ठीक है ये भी मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस का हम यूज करते हैं उसको मैं आपको कभी और बता दूंगा बट काफी बच्चे इसको जानते होंगे ठीक है इस तो हमारे थे ये कुछ क्वेश्चन जो कि इसरो में एग्जाम में आपके आए हुए हैं फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और आप चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए ठीक है इस कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक तो है पे काफी आपके कमेंट आ रहे हैं वीडियो को आप लाइक कर दें शेयर कर दें देखिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में ना यही वाले क्वेश्चंस बार बार आ रही हैं और जरूरी है कि यही डिजिट्स आपको फिर एग्जाम में मिल जाए हो सकता है इससे रिलेटेड आपको क्या पता एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाए तो मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चन को आप गलत ना करें ठीक है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और गाइस आप हमारे जो है टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसमें क्या है कि जैसे भी आपको हम अगर हम अभी कल संडे यानी कि हम हालांकि रोज ही संडे है लॉकडाउन की वजह से बट हम एक टेस्ट लेने वाले हैं अपनी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इनफोट रेट डॉट इन पर तो वहां पे क्या है गाइस आपको एक टेस्ट मिलेगा जो कि ग्यारह बजे लाइव होगा और वो ग्यारह बजे से आधे घंटे के लिए केवल लाइव होगा उस आधे घंटे के अंदर ही आपको उस पेपर को अटेंड करना होगा उस एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे अभी हमने आपको जो ये टोटल मिलाकर जो है ट्वेंटी इस क्लास को मिलाकर मैं आपको ट्वेंटी दे चुका हूं तो उन ट्वेंटी में से हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो कि मैं आप, मैंने आपको डिटेल्स में समझाई तो वो हम टेस्ट में रखने वाले हैं ठीक है तो टेस्ट में आपको एक समय दिया जाएगा जैसे थर्टी मिनट्स है अगर आप उन्हें ग्यारह बजे नहीं आते हैं ग्यारह पांच में आते हैं तो आपका पांच मिनट वो कट जाएगा ऑटोमेटिक इस चीज को याद रखें अगर और पूरे दिन पेपर नहीं खुला रहेगा इस बार पेपर केवल आधे घंटे के लिए ओपन होगा अगर हम 11 बजे स्टार्ट करते हैं तो वो साढ़े ग्यारह बजे खत्म हो जाएगा अगर आप 15 मिनट लेट आएंगे तो आपके 15 मिनट ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे तो इस चीज को आप याद रखें और टेस्ट का जैसे भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा अगर आपने टेलीग्राम अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़े और हमारे जो है उससे काफी स्टूडेंट को काफी हेल्प मिलती है क्योंकि मैं सारी जो नोटिफिकेशन लाइव की मैं उसमें आपको देता रहता हूँ ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था कोई भी सजेशन हो या कोई आपके इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस तो इस वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं तब तक फ्रेंड्स आप सभी अपना ध्यान रखिए अपनी तैयारी करते रहें बाय बाय टेक केयर